राजस्थान में अब मंत्रिमंडल का इंतजार खत्म होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद भजनलाल कैबिनेट का गठन होने वाला है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार 27 दिसंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। हालांकि शपथ ग्रहण की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के विधायकों को कॉल करके जयपुर में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में आज शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। ऐसे में अब राजस्थान की बारी है। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में मंच सजकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए बैठक व्यवस्था कर ली गई है। इससे साफ है कि सरकार की ओर से राजभवन में संदेश भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद के लिए सूचना दे दी गई है, लेकिन फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा में जब तक केंद्रीय नेतृत्व का आदेश नहीं आता, तब तक किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल गठन की खबरें अभी तक निकल कर नहीं आ रही हैं। भजनलाल मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से सभी वर्गों के विधायकों को समान प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी जाति या क्षेत्र के लोगों को नाराज किए बिना मंत्रिमंडल का गठन किए जाने का प्रयास है। जहां तक कि मंत्रियों के नाम का सवाल है, तो नाम पर अंतिम मुहर दिल्ली में लग चुकी है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री 2 बार दिल्ली दौरा करके पीएम मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के नामों पर चर्चा कर चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व सभी नाम तय कर चुका है। बताया जा रहा है बुधवार को 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। भजनलाल मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों के साथ साथ नए विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, कालीचरण सराफ, पुष्पेंद्र रणावत, प्रताप सिंह सिंघावी, जोगेश्वर गर्ग, ललित मीणा, मंजू बागमार, हमीर सिंह भायल, बाबा बालकनाथ, जवाहर सिंह, महंत प्रताप पुरी, नौकचम चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।